हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 इन साइंस सब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट। चेक पॉइंट। सर्कल द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अ लीफ, फ्लावर, रूट। फोटोसिंथेसिस किस में कंप्लीट होता है? लीफ में। तो हमें सर्कल किस पर बनाना है? लीफ पर। द मेन वेन लीफ स्टेम इज फॉर्म बाय अ डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स। लीफ की जो डबल पाइपलाइन किससे बनी होती है? मेन वेन की। तो इस वेन पर हमें सर्कल करना है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ अ रूट, स्टेम, लीफ। स्टोमेटा किस पर, किसके नीचे प्रेजेंट होते हैं? रूट के नीचे, स्टेम या लीफ? द आंसर इज लीफ। तो हमें इस लीफ के ऊपर क्या करना है? सर्कल बनाना है। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा फूड किस में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च, सॉल्ट या कार्बन डाइऑक्साइड? द आंसर इज स्टार्च। तो हमें स्टार्च के ऊपर क्या करना है? सर्कल बनाना है। टेक द करेक्ट आंसर। द मेन वेन ऑफ अ लीफ कैरीज। लीफ की मेन वेन्स क्या कैरी करती है? क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, फूड। द आंसर इज फूड। द टेक दिस। एयर एंटर्स अ प्लांट थ्रू द स्टोमेटा ऑन इट्स। प्लांट में एयर किसके थ्रू, स्टोमेटा में किसके थ्रू एयर एंटर होती है? लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम। स्टोमेटा किसके ऊपर होता है? लीव के ऊपर। द आंसर इज लीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्स फूड इन इट्स ग्रीन स्टेम। इसमें से किसके ग्रीन स्टेम है जो अपना खाना बनाती है? फर्स्ट, कैक्टस, क्रोटोन, नीम। तो किसके ग्रीन स्टेम होता है? कैक्टस के। द आंसर इज कैक्टस। विच ऑफ दीज प्लांट्स डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें से कौन सा प्लांट जिसके क्लोरोफिल नहीं है? फर्स्ट, कैक्टस, क्रोटोन, मशरूम। द आंसर इज मशरूम। विच प्रोग्राम प्रमोट्स द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। गवर्नमेंट ने ट्री प्लांटिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम प्रमोट किया? फर्स्ट, वन महोत्सव, प्रोजेक्ट टाइगर, ऑपरेशन फ्लूड। द आंसर इज ऑप्शन ए, वन महोत्सव। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड डैश मेक्स अ लीफ ग्रीन। प्लांट की लीफ ग्रीन होती है किस सब्सटेंस के प्रेजेंस की वजह से? क्लोरोफिल। द आंसर इज क्लोरोफिल। द प्रोसेस बाय विच फूड इज प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स इज कॉल्ड। प्लांट में फूड प्रिपेयर होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। द आंसर इज फोटोसिंथेसिस। डैश आर ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। लीफ के अंडर साइड में क्या ओपन होते हैं? टीनी पोर्स को क्या कहते हैं हम? स्टोमेटा। द आंसर इज स्टोमेटा। मोल्स एंड डैश आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट्स नॉन ग्रीन है? फर्स्ट है मोल्स एंड नेक्स्ट मशरूम। द आंसर इज मशरूम। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड डैश टू ब्रीथ। एनिमल्स को खाने के लिए फूड की जरूरत होती है और ब्रेथ के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन। द आंसर इज ऑक्सीजन। सी देयर आंसर एंड फिल दिस। सी, राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट, व्हाट डू ग्रीन लीव्स नीड टू प्रोड्यूस फूड। ग्रीन लीव्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ग्रीन लीव्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। ग्रीन लीव्स को खाने बनाने के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की ज़रूरत होती है। फ्रॉम वेयर डू लीव्स गेट एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड। लीव्स अपने खाना बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से लेती है? द लीव्स गेट एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से लेती है।
इन वॉट फॉर्म इज एक्स्ट्रा फूड स्टोर इन प्लांट्स? प्लांट्स में एक्स्ट्रा फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है? एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है. नेम द पार्ट ऑफ अ कैक्टस प्लांट दैट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. कैक्टस प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, वो किस प्लांट के कौन से पार्ट से खाना बनाता है उसका नेम बताना है. द स्टेम ऑफ अ कैक्टस प्लांट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. कैक्टस प्लांट का एक स्टेम है जो उस खाना बनाने के लिए काम आता है. लीव्स ऑफ क्रोटोन अपीयर डार्क रेड. डू दीज लीव्स हैव क्लोरोफिल? मीन्स क्रोटन प्लांट की लीव्स कैसी होती है? डार्क रेड, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. यस दे हैव क्लोरोफिल. यस उसमें क्लोरोफिल होता है, रेड कलर का क्लोरोफिल रहता है. फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? ऑल प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. सारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से. आंसर दिस क्वेश्चंस. राइट द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा. स्टोमेटा का फंक्शन, उसके काम क्या है? अ लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय स्टोमेटा. लीफ एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है, किसके थ्रू लेती है? स्टोमेटा के थ्रू. तो फर्स्ट वर्क ये हुआ. सेकेंड वर्क उसका, इट गिव्स आउट ऑक्सीजन बाय स्टोमेटा. ये लीफ ऑक्सीजन किसके थ्रू बाहर भेजती है? स्टोमेटा के थ्रू. हाउ डू प्लांट्स यूज दियर फूड? अभी प्लांट्स अपना फूड कैसे यूज करते हैं? प्लांट्स यूज दियर फूड टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो. वो अपना फूड एनर्जी ले, फूड से एनर्जी लेते और उनकी ग्रोथ होती है. द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स स्टेम और रूट्स. और उनका जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में उनके लीव्स स्टेम या रूट में स्टोर रहता है. हाउ डू प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल सर्वाइव? अभी प्लांट्स बिना क्लोरोफिल के कैसे सर्वाइव कर सकता है? द प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ प्लांट्स होते हैं जो बिना क्लोरोफिल के भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. कैसे करते हैं? वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स से. उनको खाकर अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं. हाउ इज एनर्जी फ्रॉम द सन पास्ड ऑन टू एनिमल्स? अभी सन से एनिमल्स तक एनर्जी कैसे पास्ड होती है? सन्स एनर्जी इज ट्रैप बाय ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड. प्लांट्स खाना बनाने के टाइम सन से एनर्जी लेता है. व्हेन एनिमल्स लाइक काउज डियर ईटीसी ईट प्लांट्स दे गेट इनडायरेक्टली सन्स एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स. और जब जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काउज और डियर, वो इन प्लांट्स को खाते हैं, तो इनडायरेक्टली वो सन एनर्जी उन एनिमल्स के अंदर चली जाती है. व्हेन दीज प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर ईटन बाय फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, सन्स एनर्जी इज अगेन इनडायरेक्टली पास ऑन टू दोज एनिमल्स. और जब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है वो इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं, तो वापस ये सन एनर्जी इनडायरेक्टली उन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के अंदर चली जाती है. अ बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज असेंशियल. वाई? प्लांट्स और एनिमल्स में बैलेंस ज़रूरी है. क्यों? एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर. एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. प्लांट्स गिव एनिमल्स फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. मीन्स प्लांट्स एनिमल्स को क्या देते हैं? फूड, खाने के लिए फूड और ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन देते हैं. ये प्लांट्स एनिमल्स को देते हैं. एनिमल्स ब्रीथ इन दिस ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और ये एनिमल्स ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली है उन्होंने, प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फोटोसिंथेसिस के, खाना बनाने के टाइम, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम यूज़ करते हैं.
सो अ बैलेंस इज असेंशियल बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए दोनों में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है।